आज क्या बनेगा? मैं आज हम बनाएंगे आलू पूरी। आलू पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू 250 ग्राम, 250 ग्राम गेहूं का आटा। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। आटे में सभी मसाले मिलाएंगे। पीसा हुआ सारा आलू मिलाकर आटा तैयार कर लेंगे। आलू पूरी का आटा बनकर के तैयार है। अब हम पूरियां बनाना शुरू करते हैं। पूरियां बनाने के लिए तेल गरम कर लिया है। एक छोटी सी लोई लेकर पूरी बेलेंगे और पूरी को बेलने के बाद कढ़ाई में हल्के हाथों से छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि पूरी छोड़ते समय छींटे न लगें। आलू की पूरी को बेलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल आटे की तरह ही बेला जाता है। पहले मैं एक पूरी तल के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पूरी बेलते हुए भी दिखाऊंगी। हम चाहें तो पूरियों को काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लाल पूरियां नहीं खाते हैं तो कम भी तल सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पर ही तेल रखेंगे। मेरी पतले तले की कढ़ाई है इसलिए तेल जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। मुझे बीच बीच में इसे स्लो पर करना होता है जिससे कि तेल अगर ज़्यादा तेज हो गया है तो मीडियम हो जाए। 2 पूरियां बना करके निकाली हैं और आपको अभी दिखाया है। सेम ऐसे ही एक तरफ हम पूरियां बेलते रहेंगे और दूसरी तरफ पूरियां तलते रहेंगे। अगर आपको दोनों काम एक साथ करने में दिक्कत है और आप एक साथ दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो पहले से ही पूरे आटे की बराबर बराबर लोइयां बना करके तैयार कर लें और उनमें से कुछ पूरियां बेल करके रख लें। और फिर जैसे ही तेल मीडियम हीट पर पहुंच जाएगा एक एक करके पूरियां तल लें। इस तरह से आपकी पूरियां ज़्यादा लाल भी नहीं होंगी और आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो पाएगा। पूरियां भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। अभी जैसे मैंने पूरी को थोड़ी देर के लिए तलने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ मैं एक पूरी बेल ले रही हूँ। ऐसा करना उन लोगों के लिए सही है जो अक्सर कढ़ाई में पूरी तलने का काम करते रहते हैं, पर जो नए लोग हैं जो अभी बनाना सीख रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वो पहले से ही पूरियों को बेल करके रख लें और फिर जब तेल सही हो तो उसे तलना शुरू कर दें। बीच बीच में हमने पूरियों को छेद वाले बर्तन में रख लिया है जिससे कि तेल जो है वो सारा पसर जाएगा, हमें अलग से तेल पसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो टिश्यू पेपर या किचन टॉवल को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो ज़्यादा एक्सेस तेल है वो निकल जाएगा। वैसे भी छेद वाले बर्तन में रखने से पूरियां अपने आप धीरे धीरे तेल छोड़ देती हैं और वो छेद के ज़रिए तेल नीचे आ जाएगा, तो छेद वाले बर्तन के नीचे आपको एक प्लेट रख देनी होगी जिससे सब जगह पर तेल ना टपके। पूड़ियाँ तलते समय पहले पूरी डालते हैं तो सबसे पहले पूरी जब ऊपर आ जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम तेल चमचे से फेंकने पर पूरी अच्छे से अंदर से तल करके तैयार हो जाती है। एक बार पलटने के बाद आप एक तरफ की पूरी सेक कर और फिर उसको 2 मिनट बाद ही पलट देंगे तो तुरंत से पूरी तैयार हो जाएगी। इसी आटे से आप पराठे भी बना सकते हैं। अगर आपको तेल ज़्यादा खाने से दिक्कत है तो तवा के ऊपर सेम ऐसे ही एक लोई के आटे को बेल कर डाल दें और सिंपल आंच पर सेक लें। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना चाहते तो ऑयल ब्रश का यूज़ करके ब्रशिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पूरी बेल कर दिखाती हूँ। उधर मेरी एक पूरी सिक रही है, इधर मैंने एक लोई का आटा ले लिया है। इस आटे में पहले से ही आलू और सब चीज़ें मिली हुई हैं। पूरी का ध्यान रखना है, पूरी जलने नहीं पाए। उसको निकालने के भी तरीके हैं कि आप उसका तेल छुड़ाएं और फिर जितना हो सके तेल कढ़ाई में ही छोड़ दें क्योंकि बाकी का तेल वेस्ट ही होता है।
लोई को बेलना बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे, नहीं ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ज्यादा जल्दी करने से टूट भी सकती है और कहीं से मोटी पतली हो जाएगी तो अच्छे से फूलेगी नहीं। पूरी को मैं कढ़ाई के किनारे पर लगाकर तेल टपकाकर बाहर निकाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने एक और पूरी डाली है, देखिए कैसे झारे की मदद से उसको हल्का हल्का दबा रही हूँ और पूरी तलकर तैयार हो जा रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट के जरिए शेयर कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी वो भी प्लीज बताइए।